बोलिए, सुरीली बोलिया। हम सभी कहते हैं ना कि दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, पर नहीं। मैं कहती हूँ कि काश जिंदगी किताब होती तो कितना आसान होता ना। भोर की बेला उठते और उस दिन का पूरा चैप्टर पढ़ लेते और जान जाते कि आगे क्या होने वाला है दिन भर। पर ऐसा होता कहाँ है, जो होता है वही सामने आता है और जो सामने आता है वही जिंदगी बन जाती है। तो आज की जिंदगी एक घंटे की, मेरी आपके लिए और आपकी मेरे लिए। मैं आपकी साथी सरिता, नमस्कार। एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम पीछे चा चा चा, एक कदम आगे चा चा चा, एक कदम पीछे चा चा चा। That's the way, I like it, cha-cha-cha, me and you, cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, wah-wah, cha-cha-cha, yahoo, cha-cha-cha, oh, great, doo-doo. Cha-cha-cha. Kiri-tiki-tam, kiri-tiki-tay, tam-ki-tam, 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 oh, God, Mr. Naidu, this is not the Bharatanatyam, this is the cha-cha-cha. इधर ही तो है जो है, क्योंकि आपके कान तो इधर ही लगे हुए हैं, तो नजरें भी इनायत कर दीजिए जनाब, आप सब इधर ही, और नजरें इनायत कीजिए अपने अपने मोबाइल पे, क्योंकि उसी से तो अपने दिल का पैगाम हम तक पहुंचाना है। पता हम बता देते हैं भाई, चुपके से आइए और हमसे मिल जाइए, मिलके सिर्फ वापस ना जाइए, एक घंटा हमारे साथ बैठ जाइए, मुस्कुराइए, गाइए और एक एक कदम आगे बढ़ाइए। vbsdelhifeedback@gmail.com पे आपको भेजना है अपना
पैगाम। सबके साथ हाँ बहुत अच्छा ऐसे ये जो सुरीली बोलियां है ना, इनमें से कितनी बोलियों को हम भूलते चले जा रहे हैं, सुनने को ही ना मिलते, या फिर आपके जहन में है क्या वो आवाजें? अगर है तो बताइए ना हमें लिख करके कि कौन कौन सी आवाजें आपके दिल और दिमाग दोनों में ही साथ साथ चल रही हैं। तुम्हारा इंतजार, मेरा इंतजार, हम दोनों के इंतजार में तड़प है, क्या बेकरारी है, रह गई है तो जनाब मान लीजिए यही इश्क है। और इसी इश्क के मारे आप सब दौड़े चले आते हैं यहाँ तक। जिन्हें आना है वो किसी भी हाल में आएंगे, आएंगे ना, चाहे कारे बादर छन जाए, चादर बन जाए, बारिश की बूंदें पड़ जाएं, पर जिसे जाना है वो तो जाएगा ही, क्योंकि कोई कर रहा होता है इंतजार। अब मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए, तुम थक तो नहीं जाओगे इंतजार में तब तक?
तुम थक तो नहीं जाओगे मेरे इंतजार में, तब मैं भाग के आऊं खुदा से तुमको मांग के जब तक। आज काम वाम में क्या रखा है, हम तो हैं आपके गुलाम। आइए बैठिए कहिए क्या है जी आपका नाम। आज नाम वाम में क्या रखा है, हम तो हैं आपके गुलाम। आइए शौक से कहिए। बदल गया सारा, मैं भी यही सोचती मिले ना मिले मौका फिर ये दोबारा। एक दो खड़ी मिले तो सबकी खिदमत करते जाइए। तो आइए बैठिए कहिए क्या है जी आपका नाम। अच्छा नाम आइए और शौक से कहिए। कल मैंने एक सवाल किया था तो शौक से हमारे एक साथी ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमें जवाब भेजा, मोहम्मद अब्बासी जी ने। और मैंने पूछा था कि वो जो गाना आ रहा था हुर्रे हुर्रे, उसमें ये हुर्रे हुर्रे वाली आवाज़ किसने दी थी। और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा था कि वो देव साहब की आवाज़ थी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से और भी अगर कोई सवाल किया आज मैंने तो उसका जवाब भेज दीजिएगा समय रहते। समय निकल जाने के बाद कहाँ कौन किसको याद रखता है। अरे मेरे इस वफादारी पे शुक्रिया तो बनता है ना, आप शुक्रिया तो भेज दीजिए। काम वाम को गोली मारो, हम तो हैं आपके गुलाम। तो आइए बैठिए कहिए क्या है जी आपका नाम। नाम वाम में क्या रखा है, हम तो हैं आपके गुलाम। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम, बस पढ़ते ही रहते हैं, कहीं आपकी खबर मिल जाए। और लिखते भी रहते हैं जनाब लगातार, कहीं कभी तुमको खबर मिल जाए हमारी। पढ़ना लिखना तुम्ही ने सिखाया है तो ये सब पूरी जायदाद आपकी तो हुई, तो वसीयत आपके ही नाम तो हम करके जाएंगे। गोरी मिलना हो मिलना दे नदिया के पार, ना बबना कोई देख नहीं गा, हम तो चुपके से कर लेंगे प्यार। अरे ना बबना कोई देख लेगा, ना बबना कोई देख लेगा,
बगियन में मिलना, बगियन में मिलना रे, बगियन में मिलना। ओ रैन थोड़ी सी जाए तो गलियन में मिलना, गलियन में मिलना, मिलने जुलने के जालिम ठिकाने हजार। ना बना कोई देख लेगा चोरी, मिलना हो मिलना दे नदिया के पार। ना बना कोई देख लेगा, ना बना कोई देख लेगा। जो ना गलियन में मिलना तो पनघट पे मिलना, पनघट पे मिलना रे, पनघट पे मिलना। नहीं पीहर तो बाबुल की चौखट पे मिलना, चौखट पे मिलना। लाऊं बेले के गजरे चंबेली के हार। ना बबना कोई देख लेगा चोरी, मिलना हो मिलना दे नदिया के पार। अरे ना बबना कोई देख लेगा, ना बबना कोई देख लेगा। पल पल जिया अपनी गोरी से मिलना, गोरी से मिलना रे, गोरी से मिलना। हो कुछ ना हुई पे तो मेलन में चोरी से मिलना, चोरी से मिलना। को पूछे तो बोले दुल्हनिया हमारे। अब मिलने मिलाने की तो जगह यही थी, मेला, गली, छत, पनघट, नदी नारे, तो ये सारी जगह मिलने की होती थी। पर अब क्या करें, अब वो तो ना बाबा ना कह के निकल जाने के रास्ते में है। तो चलिए हम ये कह लेते हैं कि अगर जो ना ना करे तो उससे लड़ने का दिल तो करता है, लेकिन लड़ाई में डर ये भी लगता है कि कहीं हम जीत गए तो भैया अगर इस लड़ाई में हम जीत गए तो दिल तो हार ही जाएंगे ना। Thank you.
जुल्मी ना जा ना जा। कोई आए और स्टूडियो में आके कुछ पूछ जाए तो दिल करता है बस उसे यहीं रोक ले। लेकिन इनके सवाल के साथ साथ मैंने खुदा से एक सवाल किया। अंदर मेरी एक ऐसा शोर है, हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता तो कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत हैं तेरी और पर चंद दीवारों को सजाने पर जोर तेरा है। मेरा दिल भी घबरा रहा है और इसलिए घबराहट है ये कि इतने सारे संदेश पैगाम हमारे साथियों के आ गए हैं, किसका पढ़ूं किसका नहीं। ऐसा करते हैं कि जैसे जैसे ये पैगाम आया है ना उसी हिसाब से मैं पढ़ती जाती हूँ। ओ पिया ओ पिया, क्या ख्याल है ना? सही बात है ना? तो चलिए बस अब शुरुआत कर देते हैं हम उन पैगामों को पढ़ने का। दिवाकर शेनॉय जी का पहला पैगाम आज के प्रोग्राम में आया है। ये लिखते हैं, नमस्कार, डांसिंग नंबर से आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी। मोहम्मद अब्बासी जी हैं, मॉर्निंग की सुबह की ताज़ा खुशनुमा ठंडी हवाओं में आपको प्यार भरे नमस्कार। हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पाते, आप कहीं ये शिकायत ना कर बैठे, प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं कि मेल मैंने कर दिया, मगर आपने कहा कि रुकिए मत, अपना जज्बात को तुरंत भेज दीजिए, तो हम तुरंत ही हैरान हो गए और लिखने के लिए बैठ गए। शालीमार का गाना इतना खूबसूरत चलाया कि एक्सरसाइज करने लगे हम और याद करने लगे विविध भारती के पुराने प्रोग्राम को। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हैं, इनके साथ निगत प्रवीण है, ऊपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से इन्होंने ये प्यार भरा पैगाम हमें भेजा। टोनी सिंह जी की हालचाल, थोड़ा
बहुत बढ़िया जी। जैसे राखी की आंखें जहां देखती थी एक रास्ता खयाम हर लेती थी फिल्म कभी कभी में, पर अमिताभ बच्चन ऐसे ही आपकी आवाज़ जिस भी शख्स तक पहुंचती है एक रिश्ता कायम हो जाता है। हाय रब्बा, लुट लिया टोनी जी तुसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके पास ही हैं, आप सबके दिल में ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाल बाबू दीवाना जी क्या कहते हैं, अपनी इनकी दीवानगी क्या कहती है, प्रोग्राम के साथ हम बने हुए हैं, धन्यवाद। जेल रोड मुस्तफ़ाबाद से लाल बाबू दीवाना, नसीमुल इस्लाम गुनौरी और आदिल फरीदी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल बाबू जी। और ये कौन है, कौन है ये लिखते हैं, ड्राइव करते हुए मैं प्रोग्राम सुनता हूँ। और पता है आप सब ड्राइव करते हुए बहुत सारे हमारे साथी लिखते हैं ना, इसीलिए ऐसे गाने, ताकि आपके जो एनर्जी ऊर्जा है वो बनी रहे और जब आप दफ्तर में पहुंचे तो उसी ऊर्जा के साथ इसमें से कोई ना कोई एक गीत जो है आपकी ज़ुबान पे तो सारा दिन रहेगा। ये मेरा एकदम बिल्कुल 100% कन्फर्म होकर मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो गाना आपकी ज़ुबान पर सुबह सुबह चढ़ जाए ना वो सारा दिन रहता है। जेल रोड दिल्ली से है ये रेशमा अंसारी और जहानवी अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनिल कुमार वत्स जी लिखते हैं, सरिता जी नमस्कार, आप इसी तरह हमसे बात रोज करते रहें, राजनगर एक्सटेंशन से हाँ बात करते रहेंगे, लेकिन कब ये चिड़िया फुर्र हो जाएगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वे चिड़िया है, उड़ेगी तो है ना अपना आशियाना बनाने के लिए। किसी दिन बारिश बहुत तेज हो जाती है तो कहते हैं कि जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली फुनगी होती है ना, वहां पे जाके चिड़ियां अपना आशियाना बनाती है, ताकि उसके बच्चे जो हैं बारिश की बूंदों से भींग ना जाए और उनका जो घोंसला है वो गिर ना जाए। तो देखिए इसी बातों बातों में कितनी अच्छी बात भी हमने आपसे कर ली। वाह वाह सरिता, क्या बात है, सरिता अच्छी अच्छी बातें कर लेती है ना। दोस्तों अजीम वकार जी हैं, कहते हैं लाजवाब प्रस्तुति है इंदिरा चौक जाफराबाद दिल्ली से। अजीम वकार, यामिनी अजीम और इनका पूरा परिवार ये मेल लिख रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद किशोर दा के फैन है ऐसा लिख करके दिवाकर शिनोई जी ने भेजा है, ठीक है। और प्रेजेंटर जी आदा, प्रोग्राम जक्कास और बिंदास है, आपका हमारा साधुवाद, हम आपके साथ साथ हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बलीउल अंसारी जी ने ये दिल की बात लिखी है, इनके साथ अस्मा नाज अंसारी है पुराना तालाब डुमराव से। कोमल पंडित जी आपका भी स्वागत है, आपके ई मेल का भी स्वागत है। सभी श्रोताओं और सरिता जी को प्यार भरा नमस्कार, सचमुच आज गानों का संकलन अति सुंदर है, मन प्रफुल्लित हो गया, सारी नाराजगी समाप्त हो गई सरिता जी। अच्छा कोमल जी, आप मुझसे नाराज क्यों थी पहले तो ये बताइए, क्यों नाराज थी? हमने तो कहा नहीं कि आप नाराज हो जाइए, आप तो हमारे दिल में हैं और आपके ये जो शब्द आप लिख करके भेजते हैं ना, वो सुरीली बोलियों के साथ घुल करके मीठी गोली बन के हमारे दिल में उतर जाती है और उससे हम भले चंगे हो जाते हैं। तो ये मीठी गोली है भाई आप सबकी जो आप ये इसमें भेजते हैं ना, क्या कहते हैं vbsdailyfeedback@gmail.com का जो हमने आपको पता दिया है ना, जहाँ चुपके से आप सब आ जाते हैं। और भी हमारे साथियों के संदेश हैं, आज सुन रहे हैं सुरीली बोलियां कार्यक्रम और आपके साथ है आपकी साथी सरिता। कमर पतली नजर बिजली
सुराहेदार गर्दन कयामत से मेरी जान कम नहीं हो ये जुल्फों की हटा काली मचल खा गए सावन कयामत से मेरी जान कम नहीं हो कमर पतली कर दो वो कब आराम लेगा मगर मुझसे तुम्हें दिल भर कोई शिकवा न होगा मेरा दिल है ये लुट कर भी तुम्हारा नाम लेगा न छूटेगा कभी मुझसे वफा का पाक दामन और ना छूटेगा वो हम सब का बचपना और हमेशा हम कहते रहते ना कि दिल में जो एक छोटा सा बच्चा है ना उसे हमेशा जिंदा रखिएगा और बचपन के दिन याद कीजिए ना सबको जैसे ही बचपन की बात आ रही है सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है मुझे दिख रहा है अरे आप भी मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे खिलखिला के हंसिए और याद कीजिए उस बचपने के दिन को कितना सुहाना था ना जिसका एक रोज हर रोज एक नया फसाना था कभी पापा के बाबूजी के कंधों पर तो कभी माँ के आंचल का सहारा था कभी बेफिक्रे मिट्टी के खेल का तो कभी दोस्तों का साथ मस्ताना था कभी नंगे पांव दौड़ लगाना और कभी पतंग ना पकड़ पाने का पछतावा था कभी बिना सांस लिए रो के पेड़ पे चढ़ जाना और चढ़ के बेरी के फल तोड़ लाना अब जब बेरी का फल तोड़ के लाएंगे तो कोई तो होगा जो कहेगा ऐसे ऐसे झटके से डार मत छोड़ो कोई कांटा है कांटा चुप जाएगा वाली
ऐसी हिदायतें कितनी मिलती रही है ना हमेशा और मिलती रहेंगी, क्योंकि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सामने तो हम हमेशा बच्चे रहेंगे, भले ही कितने बड़े हम हो जाएं। और बड़े कोई पद से थोड़ी ना होता है, दिल से बड़ा बनिए भाई, दिल को बड़ा कीजिए। और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने दिल को अपने बड़ा किया है और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख करके भेज रहे हैं। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुन रहे मन को बहुत भार आए, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी दोनों का। सुदर्शन मुखी जी ने भी बहुत प्यार भरा एक पैगाम लिखा है और इतना लंबा लिखते हैं ये कि एक एक शब्द पढ़ने में सदाबहार, सादर प्रणाम SB सुन रहे हैं, मतलब सुरीली बोलियां प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, गाना अच्छा लग रहा है, हार्दिक बधाई। और संभव हो तो आप इस प्रोग्राम में रेयर अनकॉमन गाने प्ले करें। तो भैया आज तो जो गाने हैं, आप इसे बताइएगा कि आखिरी बार इन सारे गानों में जो आज मैंने बजाया है या बजाऊंगी आगे, कब आपने सुना था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने कम से कम पिछले 3-4 सालों में ये सारे गाने बिल्कुल ही नहीं सुने होंगे। और बहुत सारे जो हमारे युवा श्रोता हैं उनमें से तो बहुत सारे लोग जो है पुराने कलाकारों की आवाज़ को भी नहीं सुना होगा। महेंद्र कपूर जी की आवाज़, आहा क्या कहने, आज उनकी आवाज़ में कितने सारे गाने हमने बजाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन मुखी जी। इनके साथ अनीता मुखी, सोनम और सिमरन है और शांतिनगर सोनीपत से इन्होंने ये संदेश भेजा है, पैगाम भेजा है। राकेश कुमार जी क्या कहते हैं, राकेश जी आपका गाने का कलेक्शन बहुत अच्छा है, आप जो सुनवा रही हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरिता राकेश जैन जी हैं सरस्वती विहार प्रीतमपुरा से, इन्होंने ये पैगाम हम तक भेजा है। और RD यादव जी हैं, कह रहे हैं अच्छा जी हाँ ऐसा है, वो कह रहे हैं कि आपके पास म्यूज़िक सेंस है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया RD यादव जी, आपने ये बात कह के मेरे को खुश कर दिया, दिल खुश कर देता है। तुसी रवि यादव सेक्टर 10 गुरुग्राम से इन्होंने ये संदेश भेजा है। और ये हैं साधना गोयल, श्रीपाल गोयल, सोनम गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, हम भी आपको सुन रहे हैं बबुनी जी। अच्छा का हाल चाल वा बबुआ, अरे वो बताएं तो आपके कार्यक्रम में कुछ अलग गीत सुनने को मिलते हैं जो कभी नहीं सुनाई देते हैं। हम तो आपका झरोखा भी सुनते हैं 8:30 पर सुबह सुबह, ओ इतनी मोहब्बत, जब चिड़िया उड़ जाएगी देन क्या करोगे भाई। कोई बात नहीं, प्यार जो है हमेशा दिल में रहना चाहिए, बरकरार रहे ये रिश्ता ये नाते तो कितना अच्छा होता है। सरिता भाटिया जी, सुरीली बोलियां में गाना बहुत अच्छे लग रहे हैं। अनिल प्रजापति जी हैं दस घरा विले से, गांव से इन्होंने ये लिखा है। और अब कौन है हमारे ये साथी, ये है वसीम अकरम गुड़िया खातून और भाई नसीम इदरीसी जी हैं, ये बिहार से इन्होंने ये भेजा है। और कह रहे सरिता सिस्टर, ओ सिस्टर, प्रोग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आपको दिल से धन्यवाद। ठीक है माय ब्रो ब्रदर, अगर आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं तो बस हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक अपने दिल का पैगाम हम तक नहीं पहुंचाया है, जाइए हम आपसे खफा हो जाएंगे। तो खफा आप होने नहीं देंगे मुझे, है ना, मुझे मालूम है। तो जल्दी जल्दी अपना पैगाम भेजिए और हम जो ये पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं उसे सुन लीजिए ना। कर होंठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको, ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना, दांतों गले दबा कर होंठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको, ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी। एक हसीना लगा है जिसको 19 ऊपर एक महीना,
में फितने चाल कयामत शोख तबीयत पाई है फूलों का रस पी पी कर हुस्न पर रंगत आई है आंख में फितने चाल कयामत शोख तबीयत पाई है नागिन जैसी बल खाती बिजली जैसी लहराती नागिन जैसी बल खाती बिजली जैसी लहराती एक हसीना लगा है जिसको उन्नीस ऊपर एक महीना दांतों तले दबा कर होंठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी एक हसीना लगा है जिसको उन्नीस ऊपर एक महीना हंस के ठुकराती जा तड़पेंगे तड़पाती जा लेकिन ए ईमान के दुश्मन इतना तो समझाती जा हंस हंस के ठुकराती जा तड़पेंगे तड़पाती जा लेकिन ए ईमान के दुश्मन इतना तो समझाती जा प्यार खड़ा है राहों में कब आएगी बाहों में प्यार खड़ा है राहों में कब आएगी बाहों में एक हसीना लगा है जिसको उन्नीस ऊपर एक महीना दांतों तले दबा कर होंठ आंखें करके बड़ी बड़ी खा जाएगी मुझको ऐसे देख रही है खड़ी खड़ी एक हसीना लगा है जिसको उन्नीस ऊपर एक महीना उन्नीस ऊपर एक महीना उन्नीस ऊपर एक महीना सुनहरा बदन हल्दी चंदन मैं हूँ नीमा सैंडल गर्ल 21st century girl मेरा है ये सारा वर्ल्ड भाई तो मान ही नहीं रही हूँ कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना क्यों नहीं करना अभी एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं सुनती हो पप्पू मिला था पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे क्यों भाई अरे बच्चों के भविष्य के लिए कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं बातचीत करते हैं उसको कहानी सुनाते हैं ये चाय का ठंडी है भाई हाँ दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा समझ गए चाचा जी अरे समझ गए सरनिया तो तुमको दूसरे के घर का बात सुनते हो बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर हां जी बोलिए सुरीली बोलियां अगर शब्दों में जुबान से नहीं बोल पा रहे हैं तो शब्दों में लिख करके भेज दीजिए और देखिए ना हमारे बहुत सारे साथी हम सबसे पहले इनका एक मेल है वो पढ़ देती हूँ मैं ये हमारे साथी हैं वीरेंद्र भूटानी जी कहते हैं बहुत दिनों के बाद ये वाला गाना सुना शायद ये डोली फिल्म का गाना है अरे वीरेंद्र जी बिल्कुल सही पहचाना आपने डोली फिल्म का ही गाना है आपने गीता कॉलोनी से ये मेल भेजा है इसके अलावा हमारे और भी साथी हैं जिनका मेल आया है मोहम्मद अब्बासी जी आपको सुन रहे हैं आपके बेहतरीन नगमे और मखमली आवाज़ आए हाय आवाज़ तो फिसली जा रही है मेरी गले से निकल निकल के एकदम इधर उधर फिसल रही है ऐसे ही मखमल होता है ना मखमल के कपड़े पे अगर हाथ आप अपनी उंगलियां रखें तो कैसे
खुश ऐसे फिसल के आगे चली जाती है। वैसे ही आनंद आ रहा है सुन के विविध भारती का ये प्रोग्राम और हमेशा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बासी जी आपका और अरविंद सिंह जी, क्या कहते हैं अरविंद जी कहिए। सुप्रभात, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बरसात में ऐसे गाने सुनने में बहुत मजा आ रहा है। अरविंद भाटी जी एडवोकेट हैं प्रेमनगर बुलंदशहर से। क्या वकील साहब जी, अच्छा लग रहा है गाना तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मौसम में कुछ कुछ चीजों का आनंद लेते रहना चाहिए और ये हैं। कौन है भाई, सलीम अख्तर जी कहते हैं गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुहाने लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। आए हाय, क्या बात लिखी है सलीम अख्तर जी। कहते हैं अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, पर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा। आए हाय, दीवाना कर दिया। अलीगढ़ से इन्होंने ये वाला शेर भेजा है हमारे लिए और अब क्या करें, गाना सुनते हैं। भाई, दोस्त, साथी, छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। कैसे रूठा, क्यों रूठा, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, आज इस पल में खुश रहो। और इस पल में जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसमें तो खुश रहो ही। अभी तो मैं आपकी आंखों के सामने हूँ, दिल की आंखों के सामने। हाँ जी, बिजली हूँ मैं, बिजली बाहर, बिजली कड़क रही है कि नहीं कड़क रही है, पर हमारे दिल में तो कड़क रही है, क्योंकि इसी बिजली के साथ साथ मुझे भी चलना है। थोड़ा और वक्त है, चले जाएंगे, लेकिन जाके कहाँ पहुँचेंगे। देखिए, पहुँचने वाले हैं हम अमीना तखान जी के पास। कहती हैं कि गर्मा गर्म चीले और पकौड़े बनाए आपके लिए सरिता जी, आ जाइए। तो चलिए, आप उधर खाइए और हमारे दिल, हमारे पेट के अंदर वो आ जाएगा और हम यहीं से बैठे हुए उसका आनंद ले लेंगे। आहा, क्या स्वादिष्ट बने हैं आपके गरम गरम चीले और पकौड़े। गांव की टोनी नई दिल्ली, साबिर हुसैन मिरासी, मोहम्मद बेगम और अमीना तखान जी ने ये मैसेज भेजा है। मेरा पकौड़ा ड्यू रहा। बिजली बल खा के जब
मानो कहाँ तक मेरे साथ चल के आओगे बता दो जरा सा। जगदीश कुमार जी हैं हमारे साथ साथ चल रहे हैं और आते आते यहाँ तक हमें मंजिल तक ले ही आए हैं, पर हम तो कहेंगे कि यहीं पे रहिएगा। अगर एक ही पास एक ही जगह पे आप टिके रहें तो आने जाने वाला कभी तो आके आपके दिल में झांक के जाएगा और मिल ही जाएगा। कहते हैं आपके गानों का चयन बहुत अच्छा है राहुल, रितिका नांगरोई दिल्ली से, और जगदीश जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने कहा है, और लिखते हैं मैडम बहुत अच्छा लग रहा है गाना आपका, ये संदेश भी मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगा। वलीउल्लाह अंसारी ने अस्मा नाज अंसारी के साथ फिर लिखा है, मैंने हुर्रे का जवाब देव आनंद पहले भेजा था पर आपका वलीउल्लाह जी नहीं आया था जवाब, एक ही जवाब मेरे पास आया था, ये है अकेले सफ़र करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए साहब, काफिला दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तानगर दिल्ली से, ओए होए की गल है भाई, चलो आप आए बाहर आ गई, अच्छा लगा बहुत, क्योंकि जो हमारे बिछड़े साथी हैं जो कभी भी नहीं आते हैं नहीं मिलने, वो अगर आ जाए तो चेहरे पे खुशी छा जाती है। और ये है कौशल्या जोशी जी, सरिता सिस आपके साथ साथ हम प्रोग्राम नंबर 1 जे रोड दानापुर से, तुलसीदास दुबे, दया दुबे और कौशल्या दुबे जी, दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओहो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंदिरा विहार दिल्ली से है बेबी अंसारी और डब्लू अंसारी जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मंजीत कपूर जी लिख रहे हैं, लोग सही कहते हैं आपकी आवाज़ में एक नशा है, ओए होए एक जादू है, 10 बजे का इंतज़ार करता रहता हूँ, रेडियो से चिपक कर बैठ जाता हूँ, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, एक एक पल एंजॉय कर रहा हूँ। मंजीत कपूर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज सबके प्यार में क्या लेंगे, बच्चे की जान ले लेंगे क्या, इतना प्यार देंगे तो क्या होगा आपकी सरिता का। जैसे अकेली कल भी चली आना, ये अच्छी बात है, अब आज मिलने आए तो कल भी आ जाना, ना जी ना, थोड़ा इंतजार का मजा तो लिया कीजिए आप सब, इंतजार करने के बाद जब हम आते हैं ना मिलने तो बहुत अच्छा लगता है, आपके आंखें बेकरारी से मुझे तलाश कर रही होती है तो देख के मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने दिल मेरा छीना। हाय रब्बा, कैसे आपको पता था कि ये वाली लाइन गाने में आने वाली है, ऐसा ही कुछ लिख करके भेजा है जेल रोड रायगढ़ से लाल चंद्र मिश्र, कुमकुम मिश्र और रोनी मिश्रा ने। कहते हैं कि भाई ये जो आपकी आवाज़ का और गानों का जादू है ना, वो हमें कहीं उठने ही नहीं दे रहा है, बहुत लाजवाब बेहतरीन प्रस्तुति पेशकश आपका, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, मिश्रा एंड फैमिली। ओहो क्या है, जाने दीजिए ना भारत भूषण जी, नई गुप्ता कॉलेज दिल्ली से, लूट लिया दिल तूने मेरा, ओहो भारत जी चलिए फिर, लेकिन संभाल के रखूँगी आपके इस दिल को, कहीं इधर उधर ना मैं जाने दूंगी। राहुल शर्मा जी ये क्या लिखते हैं, आपका ये फैंटास्टिक गाने और सब कुछ हम सुन रहे हैं, वेद प्रकाश भारद्वाज फरीदाबाद दिल्ली से आपने ये भेजा है राहुल शर्मा के साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने दीजिए, अब नहीं रुकने वाली हूँ, अब मैं चली ही जाऊंगी। बदन पे सितारे
सारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए। नहीं जी, आप बिल्कुल ही नहीं रुकने वाले हैं। आप सभी तो इंतजार कर रहे होंगे, मैं यहाँ से जाऊंगी तो सीमा आने वाली है, आएगी वो फिल्म की कहानी आपको सुनाएगी, उसमें भी तो बहुत आनंद आने वाला है। अब इतनी देर मेरे साथ थिरक थिरक के आपके कदम भी थक गए होंगे, अब इत्मीनान से बैठिएगा, कहानी सुनिएगा और दिल की नज़रों से उस फिल्म की कहानी को महसूस भी कीजिएगा। मुझे जाने दीजिए ना, आऊँगी, वादा करके जा रही हूँ, अभी फुर्र नहीं होने वाली हूँ, अभी जाके टहनी पे ऊपर वाले पेड़ के नहीं बैठने वाली हूँ, अभी आपके साथ ही हूँ मैं, साथ साथ चलेंगे ना पानी में छप छपा छप करते हुए, कागज़ की नाव भी बनाएंगे और खेलेंगे, जब ज़माना गुजर जाएगा तो उसे बैठे हुए याद भी करेंगे। अब जाने दीजिए, नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम।